बच्चों, एक बार पुनः आपका स्वागत है लॉकडाउन ई पाठशाला बाय डीसी रामगढ़। आज हम उपस्थित हैं एसएसटी कक्षा 6 के सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था पार्ट 1 के अध्याय 2 यानी सामाजिक भेदभाव सोशल डिस्क्रिमिनेशन के दूसरे पार्ट के साथ। पहले पार्ट में हमने चर्चा की कि सामाजिक भेदभाव भारतीय समाज में प्राचीन काल से था और कमोबेश आज भी है। बहुत सारे प्रयास किए गए और उसके बावजूद आज तक यह भेदभाव जारी है। एक्चुअली इस भेदभाव के बने रहने के पीछे एक बड़ा कारण लगभग 200 वर्षों का ब्रिटिश शासन है। अंग्रेजों ने अपने शासन काल में इस भेदभाव को और बढ़ाया और इस भेदभाव को पूरी हवा दी। भारतीय समाज को उन्होंने वो जितने तरीके से तोड़ सकते थे, बांट सकते थे, बांटने की पूरी कोशिश की, जिसमें जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र, जिन जिन तरीकों का वो इस्तेमाल कर सकते थे, उन तरीकों का इस्तेमाल करके भेदभाव के बीज को बोया, उसको पनपाया और हमारे देश के की जनता के बीच की खाई को अधिकतम करने का प्रयास किया। किंतु जैसा कि विश्व के कई देशों में था, हर देश में भेदभाव थे, सामाजिक भेदभाव, और उन देशों में सामाजिक भेदभाव को मिटाने के लिए कई प्रयास किए। बड़े-बड़े नेताओं के नेतृत्व में कई बड़े आंदोलन हुए, जैसे अमेरिका में मार्टिन लूथर किंग ने किया, दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला ने किया। हमारे देश में भी सामाजिक भेदभाव को हटाने के लिए और समानता की स्थापना के लिए कई समूहों के द्वारा काफी संघर्ष किए गए। ये संघर्ष स्वतंत्रता के पूर्व भी हुए और स्वतंत्रता के बाद भी। अगर हम इन महापुरुषों का मोटा मोटी ब्यौरा देखने का प्रयास करें तो पाएंगे कि परतंत्र भारत में ही, जब भारत में ब्रिटिश शासन था, तो राजा राम मोहन राय, जिन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, उन्होंने सती प्रथा के विरुद्ध एक सशक्त आंदोलन किया। सती प्रथा महिलाओं के स्वतंत्रता, उनकी अस्मिता के विरुद्ध एक बड़ा ब्लॉट था, धब्बा था। एक स्त्री का पति जब मर जाता तो उसकी इच्छा के विरुद्ध उसकी पत्नी को उसके साथ जला दिया जाता था। बड़ा ही अमानवीय कृत्य था। राजा राम मोहन राय ने इस बात का विरोध किया और समाज में उस तत्कालीन शासन को विवश किया कि वो इसके विरुद्ध कानून पास करें और इसे गैर कानूनी घोषित करें। इसी तरीके से स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। उनका उद्देश्य तत्कालीन हिंदू समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर कर उसको वैदिक रीति से, वैज्ञानिक तरीके से पुनः उसके उच्चतम शिखर तक स्थापित करना उनका लक्ष्य था। इसी तरीके से ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इन्हें महिलाओं की आवाज कहा जाता था, महिलाओं के उत्थान के क्षेत्र में इन्होंने बहुत सराहनीय कार्य किए। पंडिता रमाबाई, इन्होंने भी महिला उत्थान के लिए कार्य किया, इन्हें महिला उत्थान की प्रवक्ता के तौर पर जाना जाता है। फिर ज्योतिराव फुले, इन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। महात्मा गांधी, हमारे राष्ट्रपिता बापू, इन्होंने गांधी दर्शन के द्वारा समानता की स्थापना के लिए, बंधुत्व भाईचारा की स्थापना के लिए बहुत सारे आंदोलन किए और इन्होंने देश में समानता की स्थापना का काफी प्रयास किया और उनके प्रयासों को सारे भारत के हर क्षेत्र से समर्थन भी मिला। तो फिर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, इन्होंने दलित उत्थान के लिए जो कार्य किए वो अविस्मरणीय है। दलित समाज जो सदियों से शोषित और उपेक्षित था, उसे उसकी अस्मिता से परिचित कराने का कार्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने किया। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात की अगर हम बात करें तो हम क्या पाते हैं कि संविधान निर्माताओं के द्वारा, जिनमें पंडित नेहरू,
बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पीलू मोदी, सर के कई बड़ी महान हस्तियां थी। उनमें हमारे प्रथम गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी उस समय के सारे स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिए, उन्होंने ये प्रावधान किए समानता की स्थापना के लिए कि कानून की नजर में हर व्यक्ति बराबर होगा, किसी के बीच भेदभाव किसी भी आधार पर नहीं किया जाएगा, अवसरों की समानता होगी, अस्पृश्यता यानी छुआछूत को अपराध घोषित किया गया। फिर ये समानता की स्थापना के लिए था। फिर धर्मनिरपेक्षता हमारे संविधान में शामिल की गई। धर्मनिरपेक्षता से तात्पर्य है कि सभी व्यक्ति को अपने धर्म को अपनी इच्छा के अनुसार मानने की आजादी दी गई। राज्य का कोई अपना धर्म नहीं है और राज्य किसी खास धर्म को प्रश्रय भी नहीं देता है। इसके द्वारा भी समानता की स्थापना में बल मिला। फिर सभी व्यक्तियों को अपनी योग्यता के अनुसार पेशा चुनने की यानी व्यवसाय करने की आजादी दी गई। इसके साथ ही SSC ST OBC यानी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पिछड़ा वर्ग महिलाएं एवं बच्चों के लिए न्याय के लिए कई सारी व्यवस्थाएं की गई। प्रतिनिधित्व के क्षेत्र में, नौकरियों के क्षेत्र में, पढ़ाई लिखाई में जो दबे हुए और सामाजिक मुख्य धारा से पिछड़े रह गए लोग थे, उन्हें समाज की मुख्य धारा के समांतर खड़ा करने के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया। इसके साथ ही लोगों को अपनी भाषा, पसंद की भाषा सीखने और बोलने की एवं अभिव्यक्ति की आजादी दी गई। ये सारी चीजें सामाजिक भेदभाव को दूर करने के लिए किए गए। तो हमने देखा कि आजादी के पहले से लेकर आजादी प्राप्ति के बाद तक कई प्रयास किए गए और इन प्रयासों का सकारात्मक प्रभाव भी पड़ा। अब सामाजिक भेदभाव के मामले बहुत कम आ रहे हैं, चाहे वो लड़के लड़कियों के बीच का भेद हो, धार्मिक आधार पर हो, जातीय आधार पर हो, भाषाई आधार पर हो। सारे भारत के लोग हर प्रांत में बसे हुए मिलते हैं और यह सामाजिक समरसता यानी सामाजिक समानता की स्थापना के रूप में इसे देखा जा सकता है। एक छोटी सी कहानी के रूप साथ हम इस पार्ट को कंक्लूड करते हैं। ये हमारी पुस्तक में एक कहानी दर्शाई गई है चित्रकथा के माध्यम से। इसमें कहा गया कि अमर और सीमा भाई बहन हैं, उनके पड़ोस में एक लड़का रहने आता है, एक परिवार रहने आता है। ये दोनों भाई बहन आपस में चर्चा करते हैं कि हमारे पड़ोस में विपुल है, रहने आया है, तो उससे मेलजोल कर लो। विपुल से मिलने वह उसके घर जाता है अमर, और कहता है कि मैं तो आपके पड़ोस में रहता हूँ और चलो हम लोग खेलने चलते हैं। इस पर विपुल कहता है कि रुक जाओ, अभी मैं अपने बहन की कुछ मदद कर लूँ घर के काम में और उसके बाद हम लोग दोनों चलेंगे। तो अमर को बड़ा आश्चर्य होता है और पूछता है कि तुम घर के काम करते हो? तो हाँ करता हूँ। तो और तुम्हारी बहन? बोलो वो अभी कुछ और काम कर रही है। अच्छा, उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। इस बीच विपुल ने अपने घर के काम निपटाए, उसने अमर को और अपनी बहन को दोनों को शरबत भी पिलाई और उसके बाद विपुल ने अपनी बहन से कहा कि दीदी चलो हम लोग साथ खेलने चलते हैं। उसकी दीदी ने कहा कि हाँ चलो मजा आएगा। रास्ते में अमर विपुल से पूछता है कि तुम लड़कियों वाले काम करते हो? विपुल ने कहा कि काम लड़कियों के और लड़कों के क्या अलग अलग होते हैं? घर घर में तो सबको मिलजुल कर काम करना चाहिए। बोला अच्छा, क्या घर के काम करना, खाना बनाना ये लड़कों को करना चाहिए? तो विपुल की दीदी ने जवाब दिया, क्यों नहीं, मेरे पापा तो स्कूल के लिए हम दोनों को तैयार होने में मदद करते हैं, कई बार मम्मी को खाना बनाने में भी मदद करते हैं, इससे घर में सब एक दूसरे का सहयोग भी हो जाता है, समय बचता है और आपस का प्रेम बढ़ता है। इसके बाद दोनों खेलने चले गए, सारे बच्चे खेलने चले गए। जब खेल कर लौटे तो अमर अपने मन में ये सारी बातें सोच रहा था
जब दूसरे दिन की बारी आई तो उसने अपनी बहन सीमा से कहा कि सीमा खेलने चलोगी। सीमा ने कहा नहीं, मुझे बहुत काम करने हैं। बोले चलो मैं तुम्हारी मदद कर देता हूं। बोले तुम काम करोगे, मम्मी पापा क्या कहेंगे? अमर ने कहा वे भी खुश हो जाएंगे कि मेरा बेटा कुछ सीख रहा है, कुछ काम कर रहा है। बोलो अच्छा तो फिर चलो जल्दी कर लो, फिर हम लोग दोनों साथ खेलेंगे भी और पढ़ेंगे भी। दोनों ने जल्दी जल्दी घर के जो काम थे वो निपटाए और वो चले गए विपुल के घर, उन दोनों भाई बहनों को लिया और खेलने चले गए। और जब खेल कर लौटे तब अमर ने और विपुल ने कहा आज कितना मजा आया, वास्तव में जेम यानी जवाहरात वही है जो रिश्तों को समझे और रिश्तों को निभाना जाने। इस पर सारे बच्चों ने ठहाका लगाया और कहा दे ताली, हम सब जेम्स हैं। तो इससे हमें शिक्षा मिलती है, हमें ये पता भी चलता है कि हमारे समाज की स्थिति बदल रही है। अब न तो लड़के लड़कियों के बीच भेदभाव है, न स्त्री पुरुषों के बीच भेदभाव है, भेदभाव में बहुत कमी आ रही है। किंतु आवश्यकता क्या है? आवश्यकता है कि हम सरकार के द्वारा बनाए गए कानूनों को और विभिन्न नेताओं के द्वारा दर्शाए गए आदर्श आदर्शों का पालन करें, पूर्वाग्रहों और रूढ़ियों को खत्म करें और समाज में समानता की स्थापना के लिए तन मन धन से सहयोग करें ताकि समाज की समरसता बनी रहे। धन्यवाद।